रहा हूँ, देश में सिर्फ एक अग्निवीर या फौज एक डिपार्टमेंट तो नहीं है जहाँ पे नौकरी है। पहले मेरी बात सुनिए, यदि आपको लगता है कि हमारे पास इससे बेहतर ऑप्शन है, अग्निवीर हमारे लिए सुटेबल नहीं है, यू शुड ट्राई टू यूपीएससी का एग्जाम तैयार करो, आप एसएससी का करो, आप क्या रेलवे का फॉर्म भरो, आप अग्निवीर पे ही क्यों जाना चाहते हो? अल्पमत में आ गए, कांग्रेस ने कितने किलोमीटर हाईवे बनाया 10 साल में, 4 से लेकर 14, ये अल्पमत में आ गए। मोदी जी संविधान बदल लेंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, हिंदू राज घोषित कर देंगे, मुसलमानों को भागना पड़ेगा और तमाम महंगाई बेरोजगारी हम एक अरे मंगलसूत्र बनवा देंगे, झूठा भ्रम फैला है। मेरे पास सारा तोड़ है। ये लोग 10 साल से कह रहे थे मोदी जी भी हमें घोटाला करके जीते हैं और इस बार भी हमें घोटाला करके जीतेंगे, लेकिन आज कह रहे हैं हम जीते मोदी जी हारे, तो क्या विपक्ष ये कहेगा कि इस बार भी हमें घोटाला हमने किया? ये जनता ने मैसेज दिया है। नहीं, जो 50 लाख रुपया घूस देकर के अखिलेश की सरकार में भर्ती हुआ है, 10 लाख रुपया घूस देकर के भर्ती हुआ, उसकी मानसिकता ये नहीं होगी। एक मिनट सर, क्या नाम है आपका? ज्ञान प्रकाश। इस सरकार 5 साल चलेगी या 6 महीने चलेगी? 6 महीने से पार करेगी, कितने दिन चलेगी मैं जानना चाहता हूँ। 2 साल भी चल सकता है, 3 साल भी चल सकता है, 2 साल 3 साल चल सकता है। राजनीति वालों का कोई भरोसा नहीं होता है, सारे राजनीति वाले स्वार्थी होते हैं, तो इनका कोई भरोसा नहीं, कब पलटेंगे कब सही रहेंगे, कोई भरोसा नहीं किसी का। अरे वही चंद्रबाबू नायडू अभी जेल में थे, वही नीतू राम पलटू चाचा लोगों ने बताया हुआ, ये जब इनका स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो किनारे हो जाएगा। स्वार्थ की बात करने की, नेता लोग स्वार्थी होते हैं, वो कभी भी पलट सकते हैं। कौन सा देशभक्त होता है, कौन सा नेता देशभक्त है? नेता स्वार्थी होता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। भाषण सुने थे सौगंध ने मुझे इस मिट्टी का, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, 150 भाषण दिए, क्या उस पे खरे उतरे? क्या कहां उतरे? शुरू से लेके मोदी जी जुमला हो तो कहते मैं जुमला बोलूंगा, इस देश का जुमले का जवाब उनको उत्तर प्रदेश में मिला जो है, जहां वो राम को ले गए, राम उनसे गुस्सा हो गए, वो पूरी सीटी हार गए। इनके जो सिस्टम है, वो पता नहीं कहां से ये लोग पढ़ करके बनाते, 4 साल का ये फौज में 5 साल की नौकरी देते हैं, अग्निवीर योजना नहीं तो ये कहां एसी में बैठ के सो रहे थे अग्निवीर बनाने का, जब 18 साल 20 साल के बाद लड़का नौकरी 21 22 साल के बाद रिटायर होगा, जब उसका आगे बढ़ने का टाइम है तो रिटायरमेंट हो जाता है। तो ये सरकार की बहुत गलत नीति है, कितना देते हैं आप उसको, उसको आप शहीद का दर्जा भी नहीं देते हैं। क्या फैसिलिटीज आपने अग्निवीर के लिए दिया है? वो रिटायरमेंट के बाद जो शादी विवाह भी उनका होगा वो भी बेचारे रोएंगे, क्योंकि कल वो बेरोजगार हो जाए, 4 साल के बाद वो बेरोजगार की दर्जे में आ जाएगा। तो बता तो रही सरकार कि हम 12 लाख रुपया दे रहे हो, कुछ रोजगार कर सकते हैं इस तरीके से, प्रवक्ता बताते हैं बीजेपी के, ऐसा क्या बताते हैं? मुझे 12 लाख रुपया मिलेगा रोज, कितनी दे रहे हैं तनख्वाह, कितनी दे रहे हैं जवाब। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, देश में सिर्फ एक अग्निवीर या फौज एक डिपार्टमेंट तो नहीं है जहाँ पे नौकरी है। पहले मेरी बात सुनिए, यदि आपको लगता है कि हमारे पास इससे बेहतर ऑप्शन है, अग्निवीर हमारे लिए सुटेबल नहीं है, यू शुड ट्राई टू यूपीएससी का एग्जाम तैयार करो, आप एसएससी का करो, आप क्या रेलवे का फॉर्म भरो, आप अग्निवीर पे ही क्यों जाना चाहते हो? मेरा ये कहना है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ समीक्षा होनी चाहिए, कहीं ना कहीं प्लस माइनस होता है, लेकिन मैंने क्या कहा कि मेरे पॉइंट ऑफ द व्यू से कहीं ना कहीं जिसके पास और ऑप्शन नहीं है, जैसे पढ़ाई करने का पैसा नहीं है, तैयारी करने का पैसा नहीं है, माँ बाप गरीब हैं, शरीर में बल है, जवानी है, भर्ती हो जाइए, 5 साल नौकरी करिए, कुछ पैसे लेकर के आइए, आप कह रहे हैं 22 साल रिटायर हो जाएंगे। आज आपका जो है पीसीएस 35 साल है, सॉरी पहले 40 साल था, मतलब 35 साल के रेंज में आप आईएएस पीसीएस कर सकते हो, आपके पास मोटी मोटा 22 10 32 मोटी मोटा आपके पास 13 14 15 साल है, आप जो है 12 लाख ये लाओगे, तनख्वाह पाओगे, ये आप जो है बैठ करके तैयारी कर लो यदि आपके अंदर टैलेंट है तो। सुन लो, क्यों भाग रहे हैं लोग वहाँ से? ही लोग भाग रहे हैं वहाँ के, जो बच्चे अग्निवीर से भाग रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? अगर उसमें बढ़िया सी फैसिलिटीज होती तो क्यों छोड़ के भाग के आते? उनको अपना भविष्य, आप मुझे बताएं, हर आदमी आईएएस बन सकता है, पीसीएस बन सकता है, हर आदमी नेता बन सकता है, हर आदमी देश चला सकता है। एक जो देश का जो आदमी, जो किसान का बेटा, वो फौज की तैयारी करता है तो वो तैयारी करेगा ना,
एक टीचर की तैयारी करने वाला फौज की तैयारी नहीं करता है, वो फौज की स्पेशली तैयारी होती है और आप 4 साल के लिए दे रहे हैं, ये देश के लिए हितकारी नहीं है, इनको सोचना पड़ेगा। इस वीर के कितने परसेंट लोग भर्ती होकर के भाग करके यहाँ, जरा बताइए। देखिए आंकड़ा नहीं है, लेकिन न्यूज में मैं भी सुनता हूँ कि भाग क्या रहे, हवा में बातें क्या हो रही, जो न्यूज सुन रहे, जो देश चल रहा है न्यूज पे चल रहा है, कोई देखता है क्या? जो अटैक्स होते हैं क्या कोई देखता है? मैं आगे बढ़ता हूँ अग्निवीर से। आप पिछले 10 सालों में सिर्फ अग्निवीर योजना से ना खुश है कि और कुछ ऐसा था इस सरकार का कि आई जो उससे खुश रहेगा आदमी? इन 10 सालों में की कौन सी योजना है जिससे देश खुश रहेगा? भाई कहाँ कहाँ आप बताए, अगर नाराज नहीं होते तो उत्तर प्रदेश में एकदम से पूरा साफ हो गया, जो है ये अल्पमत में आ गए। कितने किलोमीटर हाईवे बनाया 10 साल में, 4 से लेकर 14? ये अल्पमत में आ गए, ये अल्पमत में, ये अल्पमत में आ गए, ये जोड़ तोड़ के सरकार बनानी, जहाँ ये राम को विराजमान किए वहीं के जनता ने इनको नकार दिया। तो देश जो है मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पे नहीं चल सकता है, बच्चों को रोजगार चाहिए, तो भ्रष्टाचार से नहीं देश चलेगा, उनको रोजगार चाहिए, नौकरी आपने तो सरकार फेल है, जनता ने नकार नहीं दिया। सुनिए जवाब, जो हो बता रहा हूँ, जो होता अच्छे के लिए होता है, आपका दृष्टिकोण सकारात्मक हो। अब ये जो हुआ, मोदी जी संविधान बदल लेंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, हिंदू राज घोषित कर देंगे, मुसलमानों को भागना पड़ेगा और तमाम महंगाई बेरोजगारी हम एक, अरे मंगलसूत्र बनवा देंगे, झूठा भ्रम फैला है, मेरे पास सारा तोड़ है, लेकिन जितना बड़ा मुद्दा उतना बड़ा जवाब। इन लोगों ने पूरा भ्रम फैलाने का काम किया और उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की लगभग आबादी है, सुनिए मेरी बात को, क्यों हुआ 24 करोड़ की आबादी है और उस 24 करोड़ की आबादी में सबसे बड़ा तबका गांव में रहने वाला है और उस गांव में रहने वाला जो सबसे बड़ा तबका है वो SC ST और OBC है। मेरे कहने का एक मिनट, आप बोल रहे थे तो मैं चुप था, आप बोल रहे थे मैं चुप था, बात सुनूंगा, मैं दोनों के पास आऊंगा। मैंने ये कहा कि आज दिल्ली का है तो दिल्ली में भले ही मान लीजिए कोई चाय बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन यहाँ हम डिबेट करते हैं जगह जगह, लोग बातों को सुनते हैं, न्यूज़ देख समझ रहे हैं कि क्या UCC है, क्या आरक्षण है, क्या है, लेकिन उन लोगों के दिमाग में जब आप 100 बार डालोगे आरक्षण बदल दिया जाएगा, उसका असर पड़ा। और दूसरी बात, 10 साल से ये लोग राग अलाप रहे थे कि मोदी जी भी हमें घोटाला कर, मोदी जी के से कट नहीं था जो बोलते राग अलाप रहे थे, आप भी जाते 10 सेकंड दे दीजिए, ये लोग 10 साल से कह रहे थे मोदी जी भी हमें घोटाला करके जीते हैं और इस बार भी हम घोटाला करके जीतेंगे, लेकिन आज कह रहे हैं हम जीते मोदी जी हारे, तो क्या विपक्ष ये कहेगा कि इस बार भी हमें घोटाला हमने किया? ये जनता ने मैसेज दिया है। इधर ही कुछ पूछ रहे थे आप इनसे, करके नहीं जीते थे, ठीक है, मोदी जी ने घोटाला किया, कोई नहीं घोटाला किया। मैं इनसे ये पूछ रहा था, मेरा राहुल नाम है, मैं इनसे ये पूछना चाह रहा था, अब ये एग्जाम हुए हैं, इतना तगड़ा घोटाला हुआ उसमें, हाँ, तो ये कोर्ट में मसला क्यों आया? अगर वो BJP अगर ठीक थी, अगर वहाँ की सरकार ठीक थी, तो ये घोटाला क्यों आया कोर्ट में? घोटाले का नहीं अभी तक प्रूफ है, ग्रेस मार्क पे सवाल उठाया है और उनको परीक्षा फिर से देना है, घोटाला का पिछली बार नहीं दिया उन्होंने, पिछली बार नहीं दिया उन्होंने, मेहनत पिछली बार नहीं करी, दोबारा आप क्यों करें? सर मैंने यही कहा कि जिसने घोटाला किया क्या योगी राज में भर्ती हुआ है? पहली उसकी मानसिक क्या होने, नहीं 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 नहीं, जो 50 लाख रुपया घूस देकर के अखिलेश की सरकार में भर्ती हुआ है, 10 लाख रुपया घूस देकर के भर्ती हुआ, उसकी मानसिकता ये नहीं होगी और उस पर कार्रवाई होगी। देखिए चुनावी माहौल था, चुनावी माहौल में विपक्ष का षड्यंत्र भी हो सकता है। और दूसरी बात आप बताइए ना, जो पाकिस्तान राहुल की तारीफ कर चुका, मोदी राज पाकिस्तान नहीं जाना है, हिंदुस्तान, बीजेपी का, बीजेपी का यही तो कारण है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, इस पे अटक जाते हैं, इसके अलावा कोई भाषण आएगा नहीं। लेकिन तो उनसे एक बात बोलो, मोदी जी योगी जी इस मुद्दे पे अभी तक कोई एक्शन लिए कोर्ट के अलावा? कोर्ट ने एक्शन लिया है, मोदी जी योगी जी ने एक्शन लिया है? धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया है कि किसी बच्चे के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, शिक्षा मंत्री बने हैं अभी वो, तो उनका बयान है, मैं बता रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए बस, बाकी मेरा कोई ये नहीं है, टारगेट नहीं है। आप भी हमें यहीं मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, आगे भी हम आपसे बात करेंगे और भाई साहब से ही बात करेंगे, जो भाई साहब इतने ऐसा हुआ और पेपर लीक पर भी सवाल है। देखिए 100% गलत हुआ, जो हुआ देश के भविष्य के साथ, युवाओं के साथ गलत हुआ, इस पे कड़ी मैं मानता हूँ यार, मैं कहाँ कह रहा हूँ गलत हुआ, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इस पे चल रहे नहीं होगी
नहीं होगी फिर मैं इसे जवाब दूंगा। योगी जी मानेंगे तब इस बात को माना जाएगा। क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ है? बिहार यूपी पुलिस का तो मान चुके हैं वो, और नीट का अभी तक नहीं माने लोग। क्यों नहीं माने? वो इसी कारण हुआ है, वो उनको खुद को पता है, इन भाई साहब को भी पता है, भाई साहब को भी पता है क्यों हुआ है। नहीं मैं क्यों बताऊं, ये तो जवाबदेही यही देंगे। नहीं नहीं, अगर वक्त है तो जवाबदेही यही देंगे। देखिए वक्त क्यों नहीं है, मैंने कहा ना कि देखिए, मैंने कहा कि देखिए किसी भी देश के नागरिक का मुख्य रूप से दो तरीके का दायित्व होता है, व्यक्तिगत दायित्व, सामाजिक दायित्व। लेकिन व्यक्तिगत दायित्व का मतलब पढ़ाई लिखाई, बच्चों का पेयर केयर करना, लेकिन हम व्यक्तिगत तो निभाते हैं, सामाजिक दायित्व तो हमको निभाना नहीं है। आप बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, बीजेपी 10 साल में 11 साल में शिक्षा के लिए क्या किया अभी तक? सर जी 5000 नए ITI केंद्र खोले हैं शिक्षा के लिए, तमाम यूनिवर्सिटियां बनाने का काम किए हैं, तमाम मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किए हैं। अभी आप यूपी में देखिए कितने मेडिकल कॉलेज बने हैं।